देखो बच्चों, अब इसके बाद में हम लोग आते हैं वेक्टर्स को 3D से कनेक्ट करते हैं, किसको 3D से, एंड दैट्स इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेक्टर। जब आप वेक्टर को 3D से कनेक्ट कर देते हो तो एक्चुअल में आप वेक्टर को पढ़ने लगते हो, और फिर यहीं से फिर जो अगला चैप्टर है जिसमें आप वेक्टर प्रोडक्ट और एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर पढ़ोगे वो लिंक हो जाता है 3D के साथ में। इसीलिए जो आप लोगों ने प्लेन पढ़ा है, गोला पढ़ा है, सरल रेखा पढ़ा है, वो सब आप लोग कहाँ पर पढ़ोगे, अब वेक्टर में भी पढ़ोगे फिर से, लेकिन किस रूप में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो जब 3D और वेक्टर कनेक्ट करना आपको आ जाता है ना, तो वो वाला चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब कैसे कनेक्ट करते हैं इसको समझो ज़रा ध्यान से, ओके। 3D में आप लोग जानते हो कि हम यहाँ पर क्या लिख दें, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ IJEE एंड K, ठीक। तो ये IJEE क्या होते हैं पहले आप इनको समझ लीजिए, उसके बाद में अपन लोग IJEE के इस्तेमाल से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। 3D में बच्चों आप लोग जानते हो कि x एक्सिस होती है, y एक्सिस होती है और z एक्सिस होती है, ठीक है ना, और इन सब के डायरेक्शंस होते हैं अलग अलग, यस और नो, और बीच में होता है O, मूल बिंदु, यानी कि रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन, राइट। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में एक लंबाई का हमने एक वेक्टर लिया, क्या लिया वेक्टर, कितनी लंबाई का, एक यूनिट लेंथ का एक वेक्टर लिया, उसको नाम दिया i, क्या नाम दिया i कैप। y एक्सिस के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया, उसको नाम दिया j कैप, और z एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर लिया, उसको नाम दिया k कैप, ठीक है ना। और अब अगर 3D में कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये कोई पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3 और 4, तो इस पॉइंट P को हम वेक्टर की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और P का जो पोजीशन वेक्टर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, OP इज इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आया कि नहीं आया, ओके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि P पर हम, मतलब कि P में जो 2, 3, 4 है वास्तव में वो है क्या, x एक्सिस के डायरेक्शन में दो लेंथ, 2 लंबाई, y एक्सिस के डायरेक्शन में 3 और z एक्सिस के डायरेक्शन में 4। तो जो x एक्सिस पे कंपोनेंट है, घटक है बिंदु P का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2i। y एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है किसका, OP का, वो बन जाएगा 3j, और OP का z एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट या घटक है वो बन जाएगा 4k कैप। समझ में आई कि नहीं बात, श्योर पक्का कि नहीं आ गया। अब मान लो बच्चों आपके पास में दो पॉइंट्स हैं, ए x1 y1 और z1, और एक बी पॉइंट है केवल बी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और z2, और मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि ए बी वेक्टर निकालो इन टर्म्स ऑफ IJEE, तो कैसे निकालोगे, एग्जैक्टली इट इज इक्वल्स टू OB माइनस OA, और OB कैसे निकालोगे बच्चों, OB कैसे आएगा, इट्स अ x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस OA कैसे निकालोगे, x1i y1j प्लस z1k, और जब इनको माइनस कर दोगे बच्चों तो x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j एंड z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर हुआ पक्का, तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स अपने को पता हो तो उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले वेक्टर को इस तरह से निकाला जाता है, मतलब उस
वेक्टर का पोजीशन वेक्टर इस तरह से निकाला जाता है, पोजीशन वेक्टर तो नहीं कहेंगे हम, उस वेक्टर को इस तरह से निकाला जाता है, ए बी वेक्टर को, किसके इस्तेमाल से, ओ बी यानी कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर, ओ ए नहीं ए का पोजीशन वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों जो पक्का आ रहा है? श्योर पक्का? अब मान लीजिए बच्चों, आप लोगों को कहा जाए कि ए पॉइंट इज इक्वल्स टू, आपको दे दिया जाए 2, 3, 4, और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं, सपोज दैट 3, 6 एंड 8, और आपसे कहा जाए कि आप ए बी वेक्टर निकालिए और ए बी वेक्टर कैप निकालिए, यानी कि ए बी की दिशा में एकांक सदिश निकालिए, तो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे ए बी वेक्टर, कैसे निकालेंगे? ओके, तो इट्स ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी माइनस ओ ए मतलब 3 माइनस 2 आई, प्लस 6 माइनस 3 जे, एंड प्लस 8 माइनस 4 के, तो ये अपने पास आएगा आई कैप, 3 जे कैप और 4 के कैप। तो ये तो आ गया बच्चों ए बी, और अगर इस ए बी वेक्टर का क्या निकालना पड़े, मॉड्यूलस, क्या निकालना पड़े, मॉड्यूलस। तो वो कैसे निकालते हैं, ए बी का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर, यानी जो आई के साथ है उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आएगा, इट्स अ रूट। समझ में आया? ठीक है ना? और फिर जो ए बी वैक्टर है कि दिशा में एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए बी, कैसे निकालोगे, दिस इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी मॉड्यूलस, तो दिस इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, आई प्लस 3j + 4k अपॉन रूट 26, आई प्लस 3j + 4k अपॉन रूट 26, ठीक है ना? तो कोई वेक्टर निकालने के लिए अगर उन दोनों पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो वेक्टर निकाल लोगे, उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मान लो आपको ऐसे दे दिया जाए, सपोज दैट के ए वेक्टर बराबर दे दिया जाए आपको 2i - 3j + 4k, और बी वेक्टर आपको दे दिया जाए i + j + k, और आपसे कहा जाए कि ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में इकाई सदिश निकालो, तो निकाल लोगे कैसे, पहले दोनों को ऐड कर दोगे, फिर यूनिट वेक्टर निकालना है इसकी दिशा में। यस, यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यस इट्स ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी का मॉड्यूलस। पक्का? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, इसलिए बी केयरफुल। पक्का? श्योर? चलिए, वन मोर थिंग बच्चों, जो अभी अपन लोगों ने डिस्कस भी किया, क्या कि अगर आपको ए ये दिया है, बी ये दिया है, तो ए बी वेक्टर बराबर ये होता है। अब अगर मान लो आपसे वो ये कह दे कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन निकालो, क्या निकालो, डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो कैसे निकालोगे, इट्स वेरी इजी। ए बी वेक्टर की जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो आएंगी, एल इज इक्वल्स टू आएगा बच्चों x2 - x1 अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस, एम बराबर आएगा कितना, y2 - y1 अपॉन ए बी का मॉड्यूलस, और एन बराबर आएगा z2 - z1 अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड्यूलस। ये क्या आई हैं बच्चों, ये आई हैं डायरेक्शन कोसाइन इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक। और ये करा कैसे हमने, सिंपल, ये निकालने के लिए आप ए बी की दिशा में एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, और ये जो आया है इन तीनों को अलग अलग कर दीजिए, मतलब कि 1 अपॉन रूट 26 ये एल बन जाएगा, 3 अपॉन रूट 26 ये एम बन जाएगा, और 4 अपॉन रूट 26
ये एन बन जाएगा। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में क्या निकाले जा सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन या दिक कोज्याएं जिसे कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम लोग बढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स।